जूनियर क्लर्क के पेपर लीक को लेकर गुजरात में काफी गहमा गहमी हुई थी और सरकार के सख्त रवैये और आदेशों के चलते एक एक कर इस पूरे कांड का पर्दाफाश किया जा रहा है। और जब गुजरात एटीएस द्वारा गहराई से जांच की गई इस कांड के तहत पेपर खरीदने वाले करीब 30 परीक्षार्थियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से ज्यादातर मेहसाणा, साबरकांठा, दाहोद, गांधीनगर, छोटाउदेपुर, अरवली के रहने वाले हैं, जिसके खिलाफ एटीएस की ओर से धारा 406, 409, 420 व 120B के तहत आगामी कानूनी कार्यवाही की गई है। इन 30 परीक्षार्थियों की गिरफ्तारी में खुलासा हुआ है कि इनमें अंतरजातीय 7 लड़कियां भी शामिल है। इस पेपर लीक कांड में एक के बाद एक आरोपियों के नाम आने से कार्यवाही तेज हो गई थी, जिसमें खुलासा हुआ है कि इन परीक्षार्थियों ने एजेंट भास्कर चौधरी से 10 से 15 लाख में पेपर खरीद करने का मामला सामने आया है। इन परीक्षार्थियों को क्लर्क की परीक्षा के कॉल सेंटर, ब्लैंक चेक, मूल प्रमाण पत्र और अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इस कांड के बारे में और जानकारी एटीएस डीवाईएसपी एसएल चौधरी ने दी। जनवरी के दिन ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया था, उसमें से पहले 19 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। उसके बाद एंड ऑफ द बेनिफिशियरी जो स्टूडेंट है, जिन्होंने स्योरिटी के पैसों की स्योरिटी के रूप में जो ब्लैंक चेक दिए थे, उनके डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, वो 30 एक्टिव को आज अरेस्ट किया गया है एटीएस। क्या रोल रहा सर इन आरोपियों? ये आरोपियों ने जो दिया है वो अपना पेमेंट की श्योरिटी में ब्लैंक चेक दिए थे और ये लोग पहले जाके वो उनके डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। उस हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, गांधीनगर, दाहोद, छोटाउदेपुर, गुजरात के विभिन्न भागों से जो आए हैं वो स्टूडेंट को अरेस्ट किया। सर, पहले जो आरोपी पकड़े गए थे और ये आरोपी पकड़े, इनका कनेक्शन क्या रहा, किनके थ्रू इनका कनेक्शन रहा? ये जो गुजरात में ये पूरा अंतर्राज्यीय गैंग था, उसमें जो गुजरात के एजेंट थे, वो गुजरात के एजेंट के थ्रू ही ये लोग पेपर लीक, जहाँ पे जिनको प्रश्न देने वाले थे वहां तक पहुंचे। कितने टाइम पहले इनको पेपर मिल गया था? पेपर इनको नहीं मिला था, पेपर इनके पास ही था। ये पेपर लीक हुआ, उसको बेनिफिशियरी मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने पकड़ा। और लाख रुपए का सर इनको आश्वासन था, इनको कितने लाख रुपए देने थे उसमें बात हुई? हर एक ने अलग अलग तय की थी रकम, किसी ने 10 लाख किया था, किसी ने 12 लाख किया, किसी ने 15 लाख किया था, किसी ने फिक्स के अमाउंट वो नहीं था कि 15 लाख ही था, इस टाइप का। अभी और कोई बाकी है सर इस केस में? अभी काफी एक्यूज पकड़ना बाकी है इस केस में और अभी उसके लिए टीम तैयारी। गुजरात में जो नया कानून लागू हुआ है वो इस मामले में लागू होगा, अभी आरोपियों के ऊपर धारा लगेगी? ये ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद एक्ट आया है, तो जो नया एक्ट के हिसाब से कार्रवाई इसमें नहीं होगी। अभी जो एग्जाम होगी, कोई इस तरह से हरकत करेगा तो ये निश्चित कार्रवाई।